हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर 1, शाहरुख खान के बंगले मन्नत में कल रात 9:30 बजे दो शख्स घुस गए थे। अब ऐसे में घर में घुसने के आरोप में मुंबई पुलिस ने इन दोनों लोगों से पूछताछ की है और पड़ताल में मालूम चला है कि ये दोनों शख्स 22 से 25 साल के हैं और ये शाहरुख के फैन हैं। उनसे मिलने के लिए ये दोनों गुजरात से मुंबई आए थे। नंबर 2, अक्षय कुमार स्टारर हेरा फेरी 3 को लेकर एक और एक्साइटिंग अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म में संजय दत्त विलेन के रूप में रवि किशन के बड़े भाई का रोल प्ले करेंगे, जो कि रवि किशन का दूर का भाई होगा। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि फिल्म को इसी साल के सेकेंड हाफ में फ्लोर पर लाया जाएगा और अगले साल यानी 2024 में फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। नंबर 3, अल्लू अर्जुन जल्दी ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। दरअसल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 3 सुपर डुपर पावर हाउस मेकर भूषण कुमार, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और साउथ के सुपर स्टार अल्लू अर्जुन ने एक साथ एक लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाने को लेकर ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करके ऐलान कर दिया है। अब अल्लू को हिंदी फिल्म में देखने के लिए फैंस भी सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं। नंबर 4, भूल भुलैया 3 में मंजुलिका को लेकर मेकर्स अब प्लानिंग कर रहे हैं। कई हाई प्रोफाइल नामों पर विचार किया जा रहा है। सभी ए लिस्टर और फेमस एक्ट्रेस से बात की जा रही है। विश लिस्ट में जो नाम है उनमें दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट हैं। ऐसे में मेकर्स ऐसी हीरोइन ढूंढ रहे हैं जो कई तरह के किरदार में फिट बैठ सके। नंबर 5, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही ये इल्जाम लगाया है कि उन्हें उनके दोनों बच्चों के साथ आधी रात को नवाज ने घर से बाहर निकाल दिया है। आधी रात में आलिया अपने बच्चों के साथ सड़क पर खड़ी होकर ये वीडियो बनाती हुई नजर आई है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद से हंगामा मच गया है। नंबर 6, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अब सोनाक्षी सिन्हा की भी एंट्री हो गई है। टाइगर के साथ सोनाक्षी पहली बार काम करने जा रही हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि सोनाक्षी जल्दी ही बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग शुरू करेंगे। सोनाक्षी हाल ही में बर्लिन से लौटी हैं। अब वो इस एंटरटेनर फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म की टीम ने बीते दिनों मुंबई का शेड्यूल कंप्लीट किया है और फिलहाल स्कॉटलैंड में शूटिंग जारी है। नंबर 7, शाहरुख खान की अगले फिल्म जवान में बिग बॉस विनर MC स्टैन नजर आ सकते हैं। अब चूंकि MC स्टैन की अच्छी खासी फॉलोइंग है, ऐसे में बताया जा रहा है कि जवान की म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंद्र फिल्म के किसी सॉन्ग में MC स्टैन की आवाज शामिल कर सकते हैं। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग महाराष्ट्र में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में पुणे मेट्रो को भी दिखाया गया है। नंबर 8, सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया था। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और पहले से बेहतर फील कर रही हैं। दरअसल कल यानी 2 मार्च को सुष्मिता के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आया जिसमें वो अपने पापा के साथ खिलखिलाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उनकी तस्वीर से ज्यादा उनके कैप्शन ने देश दुनिया में सनसनी मचा दी। जी हाँ, उन्होंने अपने कैप्शन में बताया था कि 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था और इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और अब वो ठीक है। नंबर 9, मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म गुलमोहर आज यानी 3 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर दी गई है। वैसे तो ये कहानी हर घर की कहानी लगती है, लेकिन इस कहानी में अचानक आने वाले ट्विस्ट आपको खूब एंटरटेन करने वाले हैं। ये फिल्म फेमस डायरेक्टर मीरा नायर के दिल्ली के घर की बिक्री से इंस्पायर्ड है। बता दें कि इस फिल्म को राहुल वी चितेला ने डायरेक्ट किया है। नंबर 10, रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट को लेकर इसके डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने खुलासा किया है। हाल ही में मीडिया को दिए इंटरव्यू में अयान ने बताया कि उन्होंने फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 पर काम शुरू कर दिया है। वो अपनी इस फिल्म के दूसरे पार्ट का काम जल्द से जल्द खत्म करने का मन बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अयान का ये भी मानना है कि अगर वो दूसरे पार्ट को बनाने में 10 साल जितना समय लगाएंगे तो उनकी फिल्म को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।